हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और ख़ैरियत से होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज के ब्लॉग में हम जाएंगे जी अपने घर सो आज का व्लॉग होने वाला है बैक टू होम सो अभी हम तैयार श्यार हो गए हैं सुबह के सात या साढ़े सात कुछ बज रहे थे और आठ बजे तक हम रेडी हो चुके थे सारे और पैकिंग तो मैंने कल रात को ही कर ली थी जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था सो so, रूम से निकलते वक्त सारी चीज़ें सामान लगेज वगैरह लेके हम जाएंगे नीचे होटल के लॉबी में और वहाँ करेंगे जी चेकआउट वैसे इन लोगों ने लॉबी को बड़ा अच्छा डेकोरेट करके रखा हुआ है और यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी है जहाँ पे आप लंच ब्रेकफास्ट और डिनर कर सकते हो और मुझे फ्लावर वास बहुत पसंद आया था वो लॉन्ग वाला जो आपको दिख गया था, था स्टार्ट में सो so, होटल से चेकआउट करके हम वेट कर रहे थे हमारी कैब का जो आ गई थी अराउंड एट फिफ्टीन एम और कैब में बैठ के हम यहाँ पे जाएंगे जी सीधा एयरपोर्ट और रास्ते में हमने सोचा कि चाय शाय पी लेते हैं क्योंकि डैड ने रास्ते में बताया कि फ़्लाइट जो है वो टेन थर्टी एम को है तो हमने सोचा कि नाश्ता जल्दी मिलेगा तो नाश्ता कर लेंगे या फिर चाय या कॉफ़ी ही पी लेंगे क्योंकि सुबह सवेरे बहुत ठंड होती है यहाँ पे तो यहाँ होटल वाले अंकल ने ऑलरेडी एक लकड़ी जो है वो जला के रखी हुई थी ताकि लोग आए तो चेयर्स सामने रख के हवा सेक लें उसकी तो हम सब भी बस वही कर रहे थे बहुत सर्दी लग रही थी हमें और हम भी गर्म हवा जो है वो सेंक रहे थे और साथ में हमारी चाय कॉफ़ी भी आ गई थी मैंने कॉफ़ी पी थी और मामी ने भी कॉफ़ी पी थी और बाकी सब तो चाय ही पी रहे थे सो बस जल्दी जल्दी चाय कॉफ़ी ख़त्म करके हम निकल गए थे वहाँ से और हम यहाँ पर पहुँच पहुंच गए हैं अभी किशनगढ़ एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के अंदर हम जाएंगे और हमारा लगेज जो है वो सबमिट कर देंगे उसके बाद हम भी अंदर जाके लॉबी में वेट करेंगे क्योंकि टाइम अभी बहुत था वैसे इतनी जल्दी हम इसलिए आए थे क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि फ्राइडे के दिन जिस तरह जाते वक्त हुआ जल्दबाजी सब कुछ भागम तोड़ वैसा अभी भी हो क्योंकि सुबह सवेरे हमने सोचा कि लेट उठेंगे तो मिस हो जाएगी फ्लाइट और लेट हो जाएगा तो इसलिए हम जल्दी उठ गए रात को पैकिंग शैकिंग जो है वो ऑलरेडी करके रख दी थी और उसके बाद हम जाकर एयरपोर्ट में ही जो है वेट करने लग गए वैसे डैड ने रात को कह दिया था कि अगर सुबह फ़्लाइट मिस हुई तो हम सब को जाना पड़ेगा जी बस से और ये मैं बिल्कुल भी होने नहीं देना चाह रही थी तो इसीलिए बस जल्दी जल्दी में हम आ गए और शुक्र है कि सुबह इतनी ट्रैफिक थी नहीं और बहुत सुबह ही हम निकले थे तो ट्रैफिक भी बिल्कुल नज़र ही नहीं आई हमें और बहुत ठंड भी थी वैसे तो थोड़ी मुश्किल तो उठानी पड़ती है वैसे एयरपोर्ट में चेकिंग करने के बाद ना हम लोग एक घंटा वेट कर रहे थे फ़्लाइट का क्योंकि फ्लाइट जो है टेन थर्टी को थी और हम नाइन थर्टी को पहुंच गए थे और एक घंटा मैंने ड्रामास वगैरह फ़ोटो सेल्फीज़ वगैरह खींची और सारी जो है ना एक स्टॉल थी वहाँ पे बिस्किट्स वगैरह केक्स वगैरह जो मिलती हैं पैकेट्स में वो मैंने ले लिए थे और वही खाती पीती बैठी थी बस मैं और साथ में एक बिस्किट पैकेट जो है मैंने साथ में रख भी लिया था क्योंकि फ़्लाइट में तो मिलने वाला है नहीं वैसे खैर लास्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था शिमला गोवा के लिए तो जब सैंडविचेस बिस्किट्स वग़ैरह सब कुछ मिलता था फ़्लाइट्स पे लेकिन अब पता नहीं क्यों स्टार एयर में ये सर्विस नहीं है या फिर बाकी एयरवेज़ में भी है या नहीं मुझे नहीं पता वैसे खैर हम लोगों ने टेक ऑफ कर लिया था जी हैदराबाद के लिए और इस बार मैं बैठी थी अपने मॉम के साथ और मामी जो है वो मॉम के सामने वाले सीट पे बैठी हुई थी और जी उसके थोड़ी ही देर बाद एयर हॉस्टर्स वालों ने ये जो सर्विसेज होती है उनकी वो स्टार्ट कर दी थी तो हमने फिर से कॉफ़ी और चाय वगैरह ही ऑर्डर करवा लिया था और साथ में जो बिस्किट्स मैंने अपने साथ लाई हुई थी तो वो हम सब ने मिल बाट के डिस्ट्रीब्यूट करके खा ली तो बस मॉम के साथ बैठी थी मैं और मुझे सुनने को मिला कि इतनी सी चाय और इतनी सी कॉफ़ी के लिए एक कप हंड्रेड रुपीस ये लोग चार्ज करते हैं तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं मॉम को स्टारबक्स लेके जाऊं तो वहाँ पे क्या रिएक्शन होगा मॉम का तो आप सब भी कमेंट बॉक्स उसमें जरूर बताना कि आप सब की क्या राय है इस टॉपिक पे सो बस जी यहाँ पे हम लोग अपनी टी कॉफ़ी जो है वो इन्जॉय कर रहे थे मैं मॉम के साथ बैठ के इंजॉय कर रही थी और साथ में ना मैं फ़्लाइट में बैठ के क्योंकि नेटवर्क भी नहीं आता तो जो भी बेकार फ़ोटोज़ वीडियोस वग़ैरह फ़ोन में भरी हुई होती है ना तो वो डिलीट करने के लिए ही बैठती हूँ मैं और बस और कुछ भी नहीं करना होता और जो भी वीडियोज़ मेरे पास पड़े होते हैं तो वो मॉम देख लेती हैं या हम दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि ये वाली फ़ोटो रखनी चाहिए या ये वाली फ़ोटो डिलीट करनी चाहिए ये होता है जो सफ़र होता है फ्लाइट का वरना तो कोई मूवी डाउनलोड करके आ जाए तो ही ओके है और बाकी अक्सर लोग फ्लाइट में सो भी जाते हैं तो बस यहाँ पे हमारी फ्लाइट का जो सफ़र था वो ख़त्म हो गया है और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे तो फिर से हम जाएंगे बस से एयरपोर्ट के अंदर और एयरपोर्ट के अंदर से हम जाएंगे जी अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए वैसे ना मुझे तो लगता है कि हैदराबाद का एयरपोर्ट जो है सबसे बड़ा है और मुंबई और दिल्ली का एयरपोर्ट भी मैंने देखा हुआ है तो बस ऐसे ही अंदाज़ा लगा रही हूँ मैं अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो मुझे आइडिया भी मिल जाएगा और बाकी अदर कंट्रीज़ का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कभी आउट ऑफ कंट्री गई ही नहीं हूँ सो so, जी हमारे यहाँ पे लगेजेस आ गए हैं और लगेजेस कलेक्ट करके हम जाएंगे बाहर कार पार्किंग एरिया में और यहाँ पे एक ख़ूबसूरत सा बड़ा क्रिसमस ट्री यहाँ पे अभी तक रखा हुआ है और न्यू ईयर तक ये लोग रखेंगे क्योंकि ये व्लॉग जो है वो थर्टी फर्स्ट की है मॉर्निंग वाली तो इसलिए आपको ये बहुत लेट लग रहा होगा साथ में यहाँ पर सेंटा क्लॉज भी है दो तीन शायद या चार तीन या चार सेंटा क्लॉस है यहाँ पे तो बस हम यहाँ पे बाहर जा रहे हैं सब कुछ बहुत वॉक करना पड़ता है यार अंदर से बाहर और कार पार्किंग एरिया तक तो कार पार्किंग एरिया भी माशाल्लाह बहुत ही बड़ा है हैदराबाद एयरपोर्ट का सो so, खैर हम यहाँ पे पहुँच गए हैं हमारी कार के पास और हम जाएंगे जी घर अभी लेकिन रास्ते में मैं आपको बताती हूँ कल रात में मैंने मामा को फ़ोन करके ये कहा था कि आपने आना है मामी को पिकअप करने के लिए वरना अच्छा नहीं होगा वो कह रहे थे कि मामी ख़ुद आ जाए वहाँ घर से लेके Uh, क्या बोलते हैं बस से लेके घर तक उनके तो मैंने मामा को थोड़ी सख्ती से डांटा और वो आ गए बस वैसे मामा मेरी हर बात मानते हैं सुनते हैं वो मना ही नहीं कर सकते मुझे वैसे खैर अल्हम्दुलिल्लाह मामा भांजी का बॉन्ड होता ही बहुत खूबसूरत है और थोड़ी नोक जोंक तो चलती रहती है इसमें और मैं तो मामा के साथ बहुत फ्री हूँ तो बस यहाँ पे हम जा रहे हैं जी लंच के लिए क्योंकि हमने डिसाइड किया हुआ था कि कई रास्ते में लंच कर लेते हैं लेकिन हमने सोचा था कि ढाबे में कर लेंगे ढाबा जो है वो पीछे छूट गया था हमारे और मामा भी आगे निकल गए हुए थे तो हमने सोचा कि यहाँ पास में ही रेस्टोरेंट में कर लेते हैं उसके बाद घर जाएंगे, सो so, बस हमने ऑर्डर किया था फ़िश फ्राई चिकन बिरयानी मटन बिरयानी और नान और चिकन करी और मिल्क शेक मैंने ऑर्डर की थी साथ में और आइसक्रीम बच्चों के लिए क्योंकि मामा जो है आ, अपनी दोनों बच्चियों को भी साथ लेकर आने को कहा था मैंने क्योंकि नेक्स्ट डे न्यू ईयर था और न्यू ईयर की छुट्टियाँ मिलती हैं तो बस उन दोनों को भी साथ लेकर आए हुए थे तो अच्छी गेट टुगेदर और फैमिली लंच जो है वो हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह माशाला से वैसे हम जब भी कोई रेस्टोरेंट जाता है ना तो हर दफ़ा स्टार्टर्स में सूप मंगवाते हैं और सेम सूप होता है चिकन मंचो सूप तो ये मिस हो गया था बताना और लेकिन ये हमारी जो है ना एक वो कहते हैं ना परंपरा वैसी चलती आ रही है कभी भी हम मिस ही नहीं करते चिकन मंचो सूप को वो होता भी बड़ा टेस्टी है तो बस इसलिए बता रही हूँ ताकि अपनी मेमोरीज जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ वैसे खैर दोस्तों आपने थंबनेल तो देखा होगा थंबनेल में, में मेरा ड्रेस और गेटअप भी देखा होगा मेरे डैड कह रहे थे कि मैं एयर होस्टेस का गेटअपा के अपनी फ़्लाइट जो है वो अटेंड करने गई हूँ आज तो आप सब बताना कि कैसा लग रहा है मेरा गेटअप क्या सच में एयर होस्टेस दिख रही थी हूँ मैं तो बस ये क्वेश्चन का आंसर दे दें मुझे अच्छा लगेगा चाहे वो सच हो या झूठ तो यहाँ पर जी ये खूबसूरत सा फाइव स्टार होटल का रिव्यू देना चाहती हूँ मैं कि होटल तो बड़ा अच्छा है यहाँ पे मैं पहली बार नहीं गई ये दूसरी दफ़ा है शायद पहली बार 2018 में गई थी जब ऐसा गेटअप नहीं था इस होटल का बहुत चेंज कर दिया है इन लोगों ने और काफ़ी अच्छा बनाया है और पीछे की साइड इसकी बैनेक्वेट भी है और उसके बाद नाइट पार्टी के लिए भी रखा हुआ है इन लोगों ने बहुत अच्छा डेकोरेट करके रखा हुआ है लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे हर चीज़ की सो तो मैं इसको फोर आउट ऑफ फाइव दूंगी वैसे मैंने अपना लंच जो है वो जल्दी फिनिश कर लिया था और जल्दी फिनिश करके मैं बाहर आ गई थी और वॉकिंग कर रही थी थोड़े से सेल्फ़ीस और वीडियोस वग़ैरह मैं क्लिक कर रही थी सो तो क्योंकि बहुत देर से मैं ट्रैवल में बैठी हुई ही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी वॉक कर लेते हैं वॉक हो जाएगी सो तो बस वॉक के बाद मेरी फैमिली ने भी लंच फिनिश कर लिया हुआ था और हम जा रहे हैं जी अभी घर के लिए वैसे अब फिलहाल मामा आए हुए हैं अपनी बच्चियों के साथ तो मामी जो है वो मामा के साथ घर आएंगी हमारे और हम अपनी कार में जो है ना घर जा रहे थे आ, रास्ते में मैंने कुछ क्लिप्स ले लिए थे तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं कि हमारा हैदराबाद देखें कितना ख़ूबसूरत है सो वेलकम बैक टू होम सो यहाँ पर हम अपने घर पहुँच गए हैं और यहाँ पर कितना सुकून मिलता है ना कि कहीं जा आओ और वापस घर का दरवाज़ा खोलो तो वो घर की खुशबू ही अलग होती है वैसे नो no डाउट कि जब भी ट्रैवल करते हो तो बाद में थोड़ी बहुत थकावट तो हो जाती है लेकिन एक मूड जो है वो चेंज हो जाता है रिफ़्रेशमेंट मिल जाती है बॉडी को तो यहाँ पे जी आयशा नबीहा को उनके स्वेटर्स जो हम लाए थे अजमेर से वो दे रहे थे और इन दोनों को बहुत पसंद आए थे तो बस यहाँ पे मामा मामी भी निकल रहे थे वो जाने की बात कर रहे थे तो बस यहाँ शाम तक वो जा रहे थे तो हमने सोचा कि उनके साथ बैठ लेते हैं चाय शाय हमने पी ली थी घर आने के बाद भी फिर से तो बस यहाँ पे मामा मामी भी चले जाएंगे अपने घर और न्यू ईयर वो अपने घर में ही जो है ना स्टार्ट करेंगे नया साल का पहला दिन तो हम भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे तो यहाँ पे मामा मामी बच्चों को सबको टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़ ये सब कह रहे थे सी ऑफ कर रहे थे और मामा मामी के जाने के बाद हम लोग भी बस थोड़ी देर सो गए थे सोकर उठने के बाद तो ऐसी लेजीनेस चढ़ी हुई थी ना तो मैं खैर बता भी नहीं सकती और नेक्स्ट डे के ब्लॉग्स वगैरह सब कुछ मैं जल्दी जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ इन सो बस आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप सबको अजमेर का मेरा पूरा ट्रिप और ब्लाग जो मैंने अपलोड किए वो कैसे लगे आप सबको एंड दोस्तों अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन क्लिक कर ले आप सबका बहुत शुक्रिया मेरा व्लॉग्स देखने का लाइक करने का शेयर करने का अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और आप सब जुड़े रहना मेरे साथ कमेंट बॉक्स में मैं आप सबको अपनी दुआओं में भी याद रखूँगी तो मिलते हैं जी आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें असल अल्लाह हाफि